आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं मेरे साथ बेबाक बात। बेबाक बात में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी हमारे साथ में अपनी आक्रामकता के लिए खास चर्चित रहते हैं। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। अचानक ये रिजल्ट आते हैं कि आप अब विधायक भी नहीं है और मंत्री भी नहीं है, तो कैसा लगा उस समय? मुझे लगता है कि शायद मेरे सिर पर विधायकी और मंत्री दोनों नहीं चढ़ी थी, इसलिए कुछ विशेष नहीं लगा। और ईमानदारी की बात कहूँ तो मुझे तो ये याद भी नहीं रहता कि मैं विधायक या मंत्री था। मैं एक कार्यकर्ता था, जनता के बीच में रहता था, आज भी उसी रूप में रहता हूँ। और मेरी गतिविधियों में, मेरी सक्रियता में कहीं कोई कमी आप नहीं देखते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कल तक बहुत सारा काम था, आज काम नहीं है, तो अचानक ये लगता है कि लोग स्वीकार ही नहीं कर पाते, हार को स्वीकार नहीं करते। काम नहीं है कहना उचित नहीं, काम का प्रकार बदल जाता है। जैसे मेरा अपना अनुभव है कि जब मैं मंत्री नहीं था तो भी मैं व्यस्त रहता था, पार्टी के काम बाकी कामों में रहता था, बाकी संगठन के काम करता तो भी व्यस्त रहता था। आज जब मंत्री नहीं हूँ, बीच में भी विधायक था, मंत्री नहीं था, तो भी मैं अपने आप को व्यस्त रखता था। तो आप ये कह सकते हैं कि काम का प्रकार बदल जाता है। मंत्री थे तब जब विभिन्न प्रकार के अनेक काम होते थे, उसमें व्यस्तता ज़्यादा रहती थी, लेकिन अभी भी मैं अपने आप को फ्री नहीं रखता। कहीं ना कहीं मैं लोगों के बीच में रहता हूं और मुझे लगता है कि अन्य प्रकार के काम करने का ज़्यादा अवसर मुझे मिला है। हार की इस बार बहुत समीक्षाएं नहीं हुई कि हार के कारण क्या थे, क्यों हार गई पार्टी, हालांकि बड़ा नेक टू नेक कांग्रेस और बीजेपी में चला। मुझे लगता है एक्चुअली ना तो भाजपा हारी है ना कांग्रेस जीती है। और आप देखेंगे तो जनता भी कोई कांग्रेस की जीत को ना स्वीकार कर पाई है, ना भाजपा की हार को जनता पचा पा रही है। इसलिए कहीं ना कोई ज़्यादा समीक्षा की मुझे लगता है जरूरत नहीं, लेकिन इंडिविजुअल समीक्षा कई बार ऐसा लगता है कांग्रेस अपनी जीत को नहीं पचा पा रही। नहीं जी, कांग्रेस तो सरकार कहीं दिख ही नहीं रही, कांग्रेस ही अभी उस रूप में ही नहीं दिख रहे हैं। हाँ, एक अचानक गुंडागर्दी बढ़ी है, संरक्षण जो मिलना, उन लोगों को ऐसा लगने लगा है कि हमारी सरकार आ गई है, लेकिन जनता को कहीं नहीं लग रहा है कि सरकार है। अच्छा, 4-5 महीने हुए हैं सरकार को बने हुए, बहुत कम ऐसा होता है कि सरकारों के खिलाफ माहौल बनना लगे अचानक। लोकप्रिय सरकार इतनी जल्दी, मेरे को जितना होश है, भारतवर्ष की राजनीति मध्य प्रदेश के अलावा भी कहीं कोई ऐसी सरकार कि इतनी जल्दी अलोकप्रिय हो गई। और उसका प्रमुख कारण जो मुझे लगता है, एक तो कांग्रेस अपनी जीत को पचा नहीं पा रही है, सब कमाई में लग गए हैं, जनता की चिंता किसी को कुछ नहीं है। और जो झूठे वायदे किए थे, क्योंकि शायद मुझे भी लगता है कांग्रेस को भी भरोसा नहीं था कि वो सरकार में आ जाएंगे और ये वायदे हमें पूरा करना पड़ेंगे, तो जो झूठे वायदे किए हैं उनमें से एक भी पूरा नहीं किया, इसके कारण जनता में एकदम निराशा। इस चुनाव के पहले, लोकसभा का चुनाव हुआ, इसके पहले कांग्रेस जनता के बीच में गई, वो एक पूरी पर्चा था उनका कि हमने सब 82-83 वादे पूरे कर दिए हैं और हम लगातार वादे पूरे करते जा रहे हैं। कल ही आज ही शायद कल या आज ही मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का स्टेटमेंट है कि 90% वादे हम पूरे कर चुके हैं, अभी शुरू हुए ही नहीं है। जनता को आश्चर्य ही हो रहा है कि शायद 2-4-8 दिन बाद वो स्टेटमेंट देने वाले हैं कि हम तो 100% पूरे कर चुके हैं, हमारा काम खत्म, सरकार खत्म। जनता इसी का इंतजार कर रही है, बिना कुछ शुरू किए। ये कला कांग्रेस से सीखना पड़ेगी कि बिना कोई एक वायदा पूरे किए, बिना कोई एक काम किए, कितनी हिम्मत के साथ झूठ बोला जा सकता है, कितनी बेशर्मी के साथ झूठ बोला जा सकता है। अब लोकसभा चुनाव के दौरान ही आप देखिए उनका, हम किसानों का इसमें आपको रुकूंगा, आप झूठ बोलने की जो बात कर रहे हैं, लगातार कमलनाथ और उनके मंत्री, कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं हमारे मध्य प्रदेश के, उनकी सरकार के तमाम मंत्री, उनके तमाम प्रवक्ता एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है, बीजेपी झूठ बोल के लोगों को गुमराह कर रही है, बीजेपी झूठ बोल के गुमराह कर रही है, वो बीजेपी पे झूठ बोलने का आरोप लगा देते हैं। देखिए, मेरा कहना है कि मैं आरोप झूठा लगाऊं या आप मेरे पर झूठा आरोप लगाऊं, लेकिन जो सुन रहे हैं वो तो सत्य समझते हैं। और उसका परिणाम भी दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव में एकदम बाजी पलट गई मध्य प्रदेश, जनता आक्रोशित बैठी है। अगर अब मध्य प्रदेश में चुनाव विधानसभा के हो जाएं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि झूठ टिकता नहीं है ज़्यादा।
आपने प्रलोभन दिया 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, आप एक किसान को खड़ा कर पाए, एक को, कि ये इसका 2 लाख रुपए हमने कर्जा माफ किया। बहुत बहुत सारे कागज पत्र लेके, कागज तो आपके आपके साथी मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब उनके घर पे लेके गए, कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरा कहना कागज पत्र मुख्यमंत्री जी के पास देके आए कि साहब ये सारे कागज हैं और ये आपके भाई तक का माफ हुआ है। कागज के खेल खेल रहे हैं, एक व्यक्ति को तो खड़ा करें ना, हमारे यहाँ नहीं लाओ, कांग्रेस के मंच पे तो खड़ा करो कि ये 2 लाख रुपए का कर्जा हमने इसका माफ कर दिया है। आप एक का नहीं कर पाए, केवल कागज दिखा रहे। अच्छा, कर्जा अगर आपको माफ करना है तो किसान पर किसका पर कर्जा है ये रिकॉर्ड क्या बैंकों में नहीं होता क्या? फॉर्म भराएंगे, लाल भराएंगे, पीला भराएंगे, नीला भराएंगे, काला भराएंगे, फिर जांच करेंगे, फिर आवेदन लेंगे, फिर ये करेंगे, फिर आपने बजट में व्यवस्था नहीं की तो सरकार इतना बेवकूफ़ तो मत समझो भाई कि सरकार बिना बजट के कहीं से पेमेंट कर सकती है। अच्छा, 13,000 करोड़ का कुछ प्रावधान, 5,000 करोड़ का प्रावधान किया है, 2 लाख करोड़ का लोन है, तो ये जो किया है, फिर आपने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौजवानों ट्रेनिंग देंगे, बेरोजगार इंतजार कर रहा है कब मिलेगा, तो हमने कहा ठीक है नगर निगम अप्लाई करो, स्किल डेवलपमेंट में तो बड़ा ट्रेनिंग दो, बड़ा भारी आरोप लगा और कई बार मजाक का विषय करता है, बीजेपी से जैसे पकौड़े वाली बात आई थी तो यहाँ ढोर चराने की और बाजा ट्रेनिंग की बात है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आइए, मेरे पास बहुत से नौजवान आए चुनाव के पहले कि हमसे कह रहे हैं ढोर चराने की ट्रेनिंग लीजिए, हमसे कहते हैं बैंड बजाने की ट्रेनिंग लीजिए, आखिर ये तो मजाक है नौजवानों का। सर देखिए, पकौड़ा बनाने का जो बयान भाजपा ने दिया था कि आज हम देखते हैं हजारों परिवार ठेले पे पकौड़ा तल के अपना परिवार चला रहे, हजारों व्यक्ति, तो वो भी कोई रोजगार नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि ढोर चलाना कोई रोजगार नहीं है, लेकिन उस स्तर के लोग कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे नौजवानों के साथ आप मजाक क्यों कर रहे हैं कि उसकी ट्रेनिंग देंगे, उसके नाम पे बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप कई नौजवान मेरे से आके मिले कि साहब हमें जबरन बिठा के दिन भर रखते हैं काम, बाकी हमारे सर सिर पर ठोकना चाहते हैं और बाकी कोई काम करना नहीं चाहते, बेरोजगारी भत्ता देना चाहते हैं। तो ये जो मजाक बनाया है कांग्रेस ने, उसका ही परिणाम है कि एकदम 4-5 महीने 6 महीने में कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो गया। भोपाल सीट पे भी बड़ी कश्मकश थी कि एक तरफ दिग्विजय सिंह जैसे बड़े कद्दावर दिग्गज नेता थे तो इधर नई नई राजनेता बनी साध्वी प्रज्ञा भारती। देखिए, भोपाल के बारे में मैं हमेशा कहता रहा और इस चुनाव के पहले भी जब पत्रकार बंधु मेरे से कुछ मिले थे, जब हमारा उम्मीदवार भी तय नहीं हुआ था, उस समय मैंने कहा था कि दिग्विजय सिंह को यहाँ जनता चुनाव हराएगी, ये भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट है। पिछले विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए मैं मान सकता हूँ कि लोकप्रियता का चरम था वर्तमान स्थिति में, तो भी 8वां विधानसभा मिलाकर 58,000 से लीड भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन दिग्विजय सिंह के आने के बाद तो ये जीत लाखों में अपने आप परिवर्तित हो गई थी, भाजपा से कोई भी खड़ा हो। उसके दो प्रमुख कारण, एक तो लोकसभा चुनाव राष्ट्र के लिए चुनाव था और नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, ये सबके मन की इच्छा थी, ये पूरे देश भर में हमें देखने को रिजल्ट आए। उसके बाद भी इसमें बीच में थोड़ी दिक्कत भी आई, साध्वी प्रज्ञा भारती हैं वो कुछ चीज़ों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती, उनके जो बयान आए वो बहुत ही मुझे ऐसा लगता, देखिए वो पॉलिटिकल नहीं है, उनने अनेक यातनाएं झेली जिसका मुख्य सूत्रधार दिग्विजय सिंह रहे, अकारण झेली, निर्दोष होते हुए झेली है, केवल इस बात के लिए कि कांग्रेस को और मुख्यमंत्री दिग्विजय, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को विशेष रूप से ये सिद्ध करना था कि हिंदू भी आतंकवादी होता है, भगवा आतंकवाद का जो नाम दिया गया था उसके लिए सॉफ्ट टारगेट प्रज्ञा सिंह को उनने चुना, एक लड़की है, नौजवान लड़की है, इसको टॉर्चर करेंगे चाहे जो कहलवा लेंगे, और इसलिए उसके साथ जो जेल में जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार हुआ है, देखिए क्या बोलना क्या नहीं बोलना ये समझ थोड़ी रखना जरूरी है, विशेषकर राजनेताओं को सार्वजनिक जीवन में, लेकिन उसके जो उस समय प्रज्ञा सिंह जी के जो बयान आए उनकी मन की पीड़ा रही है, जो उन्होंने बाद में उन बयानों के लिए खेद भी व्यक्त किया। तो राजनीति के लिए तो वो एकदम नया चेहरा था, राजनीति वो समझते भी नहीं, सीधी सपाट वो बात करती थी, और लेकिन मैंने जैसे कहा कि दिग्विजय सिंह के प्रति लोगों की नाराजगी बहुत थी, क्योंकि 10 साल इस मध्य प्रदेश ने दिग्विजय सिंह को जो भुगता है मुख्यमंत्री के रूप में, राजधानी में रहते हुए लोगों ने ज़्यादा निकट से देखा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आलोक संजर साहब चुनाव लड़ते जो हमारे यहाँ तब उस समय तत्कालीन सांसद थे, या आप चुनाव लड़ते तो हो सकता है 4 लाख वोटों से जीतते। देखिए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता, प्रज्ञा सिंह जी का जब नाम तय नहीं हुआ था तब भी मेरी स्पष्ट मान्यता थी कि वो लाखों वोटों से जीतेगा,
तो ये सीट एक तो राजधानी है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, परिस्थितियों को जानते हैं, सारा सबका चरित्र सबके सामने है और इसलिए निश्चित ही इस वातावरण में देखिए नरेंद्र मोदी जी का इस बार अंडर करेंट था। लेकिन जो हम लोग जब जनता के बीच में जाते थे उनके चेहरे बताते अंडर करेंट भी का अंडर सुनामी चल रही थी वहां तो पता नहीं था, भयंकर लोग आकलन नहीं कर पा रहे थे, साइलेंट था वोटर। जैसे कहते हैं ना कि एक बार कोई अगर आपने मन बना लिया फिर आप कोई रिएक्शन नहीं होता, मेरा मन बना हुआ है, अगर मन नहीं बने तो फिर किसी बात को सुनकर अच्छा या बुरा रिएक्शन आदमी, इस चुनाव में वो रिएक्शन नहीं था क्योंकि लोग मन बना चुके थे। राष्ट्रवाद का मुद्दा, गरीबों के कल्याण का मुद्दा, पहली बार लोगों को लगा था देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो देश की सुरक्षा कर सकता है, देशवासियों को सुरक्षित रख सकता है, भारत का सम्मान बढ़ा सकता है। और देखिए गरीब से गरीब आदमी भी चाहे एक बार भूखा रह लेगा लेकिन सम्मान चाहे, मतलब पूरा चुनाव मोदी वर्सेस अदर था। डेफिनेटली मोदी जी के नाम पर ये चुनाव हुआ, मोदी जी के काम के नाम पर चुनाव हुआ। आपको उम्मीद थी कि 28 सीटें जीत पाएंगे जो कभी नहीं हुआ? नहीं 27 तक तो थी है ना, क्योंकि 27 हम जीते हैं पहले, जीते और अब तो लग रहा है कि हमसे कहीं लापरवाही और चूक हो गई नहीं तो 29 ही जीत सकते थे, क्योंकि छिंदवाड़ा के अनेक कार्यकर्ता उन बीच में हमसे कहते थे कि थोड़ा ऐसा कर लो थोड़ा ऐसा कर लो तो चुनाव जीता जा सकता था। शायद हम लोगों ने उतनी गंभीरता से उन बातों को लिया नहीं। तो क्या क्या ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी जो चूक गए आपको छिंदवाड़ा को लेकर? कुछ व्यवस्थाएं और ऐसा लगता था कि वहाँ जो कह रहे थे कार्यकर्ता उनकी भावनाओं को और समझते, तो मुझे लगता है कि इस वातावरण में छिंदवाड़ा सीट भी जीती जा सकती थी, क्योंकि ये चमत्कार राजस्थान में तो हो ही गया कि 25 की 25 सीटें जीत गए। जब गुना जैसी सीट भी हम ऐसा मानते थे कि थोड़ी कठिन सीट है, जब ये ठीक है चुनाव के समय वहाँ का कार्यकर्ता भी जो आता था वो कहता था इस बार गुना हम जीत कर दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भरोसा तो नहीं होता था, इसलिए 27 तो हम मान कर चल रहे थे। बाकी हम कोशिश रतलाम तक गिनती में थे, गुना गिनती में नहीं था। हाँ गुना और सही में स्वीकार करूँ तो गुना और छिंदवाड़ा पर भरोसा नहीं था, क्योंकि ग्वालियर की जो राजनीति है वो इस किस्म की है कि वहाँ कभी सिंधिया वंश से जुड़े लोग हारे नहीं है, लेकिन इस बार वो भ्रम भी लोगों का टूट गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उमाशंकर गुप्ता साहब से बातचीत का ये दौर जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बेबाक बात में आपका स्वागत है। बहुत ही बेबाकी से बोलने वाले और हमेशा अपने लोगों के लिए बेबाक बातें करने वाले उमाशंकर गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। हमारे यहाँ किस्म किस्म के उद्योग खुलेंगे, कमलनाथ जी आएंगे, बातें होती थी, सब होता था, लेकिन अभी तो तबादला चल रहा है। एक उद्योग ही फला फूला है और वो जो आपने कहा तबादला, लेकिन उस पर आप लोग आक्रामक नहीं है? नहीं अब आक्रामक कहने जाकर अब झगड़ा तो नहीं कर सकते, आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में बात पहुंचा सकते हैं। देखिए कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तबादला करना आपका अधिकार है, होते हैं हमारे समय भी होते थे, एक दिन में 3-3 बार तबादला बदल। आज किसी अधिकारी के मन में भरोसा ही नहीं है कि मैं कब तक रहूंगा। नहीं आप भी गृहमंत्री रहें और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो गृह विभाग के इर्द गिर्द घूमता है, पूरी कानून व्यवस्था शहरों का व्यवस्था हो या ग्रामीण व्यवस्था हो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है, तो ऐसे में पुलिस वालों से लेके IAS अफसरों तक एक आध बार तबादले हो जाए, 2-4 बार अस्थिरता इतनी हो गई, अराजकता उसके कारण हो गई। इतनी आवश्यकता होती है क्या? कोई जरूरत ही नहीं है इतनी, आप तो केवल पॉलिटिकल रिवेंज, किसी भी कार्यकर्ता ने कहा कि भाई ये 15 साल में इसने मुझे परेशान किया है ट्रांसफर, या कोई नोट की गड्डी लेकर आ गया मुझे पोस्टिंग चाहिए, आज आप भोपाल में घूम लीजिए आपको दलाल घूमते मिल जाएंगे, कोई बड़ा काम हो तो बताइए, एक एक के 3-3, 4-4, कोई कहता है कि मैं 10 में करा दूंगा, वो कहता है मैं 8 में करा दूंगा, मैं 5 में करा दूंगा,
तबादला कराने का भी कंपटीशन चल रहा है। हाँ, मतलब ये कि इस समय तो कोई और बात ही नहीं है, सारी योजनाएं ठप हो गई, कोई मॉनिटरिंग। आप मुझे बताइए, गर्मी पूरी लगभग निकलने को हो गई, पानी की समस्या को लेकर एक मीटिंग हुई? हम भी मंत्री रहे हैं, सरकार में रहे हैं, मुख्यमंत्री हर मंत्री को दौड़ाते थे, जाओ जिले में गर्मी के पहले पानी का क्या होगा, कहाँ से व्यवस्था होगी, जहाँ संकट है अभी, अब बारिश आने वाली, इसकी कोई मॉनिटरिंग हुई क्या, कहाँ पानी भरेंगे? बिजली संकट चल रहा है, आप केवल आरोप लगाओ तो बीजेपी के लोग हैं, कर्मचारी परेशान, वो तो पूरे लोग आपके हैं और आपके कहने से खटका बंद चालू करते रहते हैं, यही आरोप है, बस यही आरोप है बीजेपी वाले सब। ऐसे कितने लोग आपने रख रखे हैं जो आपके कहने से पूरे मध्य प्रदेश में बिजली के खटके ऑन ऑफ कर रहे हैं? और आपकी अगर सुन ली, आप कार्रवाई करो ना, जबरन उनको भी क्यों बदनाम कर रहे हो? प्राइवेट कंपनियों को आपने काम दे रखा, आपकी मॉनिटरिंग नहीं, आप केवल पैसा खा रहे हो, कर्मचारियों को भी बदनाम कर रहे हो। अरे हमारे समय भी 24 घंटे बिजली देते थे भाई, रोज मॉनिटरिंग होती थी, हर प्रभारी मंत्री जिले की मॉनिटरिंग करता था, मुख्यमंत्री खुद हर कैबिनेट के बाद मॉनिटरिंग करते थे, जरा कोई कहीं आपदा आ जाती थी आपने देखा होगा पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री सहित फील्ड में होता था, उसके कारण पूरे अधिकारी फील्ड में। यहाँ किसी को फुर्सत ही नहीं है, मुख्यमंत्री की कोई सुन नहीं रहा, सब अपने अपने मुख्यमंत्री हैं, अपने अपने मर्जी के मालिक हैं, जिसको जो दिख रहा है कर रहा है, और कॉम्पिटिशन है ज्यादा से ज्यादा कमाने का। इससे मुख्यमंत्री कौन है अब कह नहीं सकता, दिग्विजय सिंह जी हैं। तो वल्लभ भवन में खूब बैठे हैं। हाँ, मैं खूब बैठा हूँ, और उस समय तो एक ही मुख्यमंत्री होता था जो पांचवीं मंजिल पर बैठता था, भाई अब तो पता ही नहीं चलता कौन मुख्यमंत्री है, किसकी चल रही है, मंत्री सुनते ही नहीं मुख्यमंत्री, आप देख लीजिए, सब कॉम्पिटिशन में लगे, एक काम कौन ज्यादा कमा लेता है, क्योंकि एक तो भरोसा नहीं है किस दिन टपक जाएंगे, शायद ये भी एक कारण है। ये भी आरोप आप लोगों के ऊपर लगता है कि आप उनकी सरकार को अस्थिर कर रहे हैं और उनकी सरकार गिराना चाहते हैं? देखिए, हम ना अस्थिर कर रहे हैं ना गिराना चाह रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर पानी की समस्या है तो हम आंदोलन नहीं कर, बिजली की समस्या हम जनता के साथ खड़े नहीं रहे, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई हम सरकार को नहीं चेताएं, अगर तबादला उद्योग चल रहा तो विपक्ष नाते जवाबदारी जनता ने हमें दी, जनता के सामने उजागर नहीं करें, ये काम हम कर रहे हैं, इसमें आप अस्थिर हो रहे हैं तो क्या करें, हम नहीं कर रहे हैं, अस्थिर आपके लोग कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं, जिस दिन आपने मंत्रिमंडल गठन किया उसी दिन से कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कमलनाथ जी बताइए ना, आपके मंत्री कहाँ कहाँ घूमे, केवल आपका क्षेत्र छोड़कर, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी बताएं ना कि उनके जो मंत्री हैं दिग्विजय सिंह जी का भोपाल क्षेत्र छोड़कर कहाँ कहाँ घूमे, ज्योतिरादित्य जी बताएं कि उनके समर्थक मंत्री उनका क्षेत्र छोड़कर कहाँ कहाँ घूमे, बाकी चिंता की क्या आपने, सब इसी में लगे हैं, अपने अपने गुट का मुख्यमंत्री है, उसके हिसाब से सरकार चल रही है, उसके हिसाब से विभाग चल रहे हैं, सब में कॉम्पिटिशन है कौन सा गुट ज़्यादा कमा लेता है, जनता की चिंता नहीं, सारे विकास के काम ठप हो गए हैं, अराजकता का वातावरण भोपाल शहर में आप देख लीजिए, कितनी गुंडागर्दी बढ़ गई है, लोग असुरक्षित होने लगे, और आपके सामने उस बच्चे के साथ रेप हुआ और मर्डर हो गया इसी बस्ती में, अगर पुलिस उस समय सचेत होती तो बच्ची को मरने से तो बचाया जा सकता है। पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हुई है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन त्वरित एक्शन जो होना था, देखिए इन घटनाओं को पहले से रोकना तो कठिन, मैं होम मिनिस्टर था तो भी इस बात को कहा, लेकिन घटना हुई है तो उसके देन एंड देयर सूचना मिलते ही से पुलिस एक्टिव होना चाहिए कि नहीं, हमारे समय राजधानी में तो कम से कम पुलिस पूरे प्रदेश में, आप बता दीजिए मध्य प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी, जरा कहीं कोई घटना होती थी पूरा प्रशासन हरकत में आता था, मंत्री मुख्यमंत्री तक विद इन मिनट्स खबर होती थी ऐसी कोई जघन्य घटना होती, यहाँ तो आईजी कह रहे थे सुबह तक मुझे जानकारी नहीं, कितनी लापरवाही है। पुलिस वालों के पास अगर गए माँ बाप रिपोर्ट करने, वैसे सामान्य प्रक्रिया ये है कि वायरलेस पे जब मैसेज चलता है, अगर आईजी ये कह रहे थे तो आईजी खुद भी दोषी है इसके लिए, डीआईजी अगर कहते हैं तो वो भी दोषी है, जब वायरलेस चलता है तो इसका मतलब आप सुनते ही नहीं है। अब जो भी कुछ भी छाने में छोटी सी भी घटना होती है, आप तो गृह मंत्री रहे तो पूरे शहर को जिले के अफसरों को मालूम पड़ जाती है कि क्या हुआ है। जो भी अब सिस्टम आजकल चल रहा है, पता नहीं बहुत से बातें हैं बिना वायरलेस के करना मजबूरी हो गई होगी, लेकिन सिस्टम कोलैप्स हो गया। अब और इसके लिए मानता हूँ आप भी क्या व्यंग्य करके बच जाते हैं कि पता नहीं क्या बातें हैं कि वायरलेस बंद करना पड़ता है। अब वो कितनी खुलकर करें, अब कुछ तो जनता को भी समझने दीजिए, और जनता समझ रही है हालत खराब है, अराजकता का वातावरण हो गया है। अच्छा, कहीं कोई इसकी चिंता करने वाला नहीं। मुझे याद है कि मैं होम मिनिस्टर था, जरा कोई घटना होती थी दूसरे दिन मुख्यमंत्री खुद समीक्षा करते थे, कोई बड़ी घटना हो जाती थी। देखिए
आप अगर मॉनिटरिंग नहीं करोगे तो रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे। अच्छा, बिजली में समस्या क्या है? एक कांग्रेस का कहना है कि जब भाजपा की सरकार आई तो घटिया उपकरण खरीदे थे जिस कारण लाइट बार बार जा रही है, और बीजेपी के कुछ लोग हैं जो खटके ऑन ऑफ करते रहते हैं। आप ये समझिए, बचकाना बात करके बचेंगे नहीं, बचना। आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्यों जा रही, क्या कमी है, केवल कर्मचारी को जोर दे के दो चार को सस्पेंड कर दीजिए, इससे क्या होगा? एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आप भी जब सत्ता में आए 2003 में, दिग्विजय सिंह साहब की सत्ता गई, उसके बाद कुछ कई तबादले आप लोगों ने भी किए, खूब ठोकबंद तबादले की, कहीं ऐसा होता है कि अफसर कभी बीजेपी के होते हैं या कांग्रेस के होते हैं, इस तरह की चीज़ें समझ में आई आपको? सामान्यतया नहीं होता। देखिए, व्यक्तिगत किसी का अटैचमेंट हो सकता है, लेकिन सामान्यतया मेरा जो अपना अनुभव है, अफसर काम करने वाले होते हैं, कुछ परसेंट होते हैं जो मैं कह सकूं कि चापलूसी करते होंगे, लेकिन चापलूसी किसी पार्टी के नहीं होते, वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। पार्टी के लिए कमिटेड विचारों से कोई हो सकता है, सिद्धांतों से, लेकिन काम में नहीं दिखता। तो मेरा ऐसा अनुभव नहीं है कि कोई अफसर खाली अपन पार्टी का आरोप लगा के अफसर को हटा दें, उससे व्यवस्था सुधर जाएगी, कोई काम नहीं चलता। लाओगे कहाँ से? और ये तो सबके सब हटा रहे हैं यार, मतलब है कि 15 साल में सब बीजेपी का अगर हमने कर दिया तो ये तो हमारी सफलता है कि विचारों को निकट ले आए हम। आपका जनाधार नहीं है, आप जमीन की समस्याओं से कट गए हैं, आप उन समस्याओं से जूझना नहीं चाहते, उनका निराकरण नहीं करना चाहते, इसलिए घर में बैठकर केवल बीजेपी पर आरोप लगा दो, अधिकारियों पर आरोप लगा दो, यही बयानबाजी और बतौलेबाजी कांग्रेस के मंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अब लगता क्या है कि कैसे सिस्टम ठीक होगा? क्या फिर चुनाव होंगे या आप सरकार गिराएंगे? अगर कुछ भी ठीक नहीं है तो ठीक कैसे होगा? देखो, ये तो जनता है, ऐसे ही चला तो जन आंदोलन खड़े होंगे, सरकारें चल नहीं पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी कोई प्रयास नहीं कर रही सरकार गिराने का, ये सरकार खुद चरमरा के गिरेगी। आपस में समन्वय नहीं है, आपस में झगड़े हैं, लोकसभा चुनाव के बाद एक दूसरे की जो टांग खिंचाई हुई है वो भी एक बहुत बड़ा और अग्नि में घी डला है। तो ये ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कई कारण से, एक जनता में आक्रोश बढ़ रहा है, ये प्रजातंत्र है, और दूसरा है आपस में इनके जितना विग्रह है, आपस में एक दूसरे को देख लेने की जो मन में आग भरी हुई है वो इनको टिकने नहीं देगी। और मुझे लगता है इस सरकार जितनी जल्दी गिरे वो मध्य प्रदेश के हित में होगा। तो आप लोगों ने क्या फिर चुनाव की तैयारी कर रखी है? नहीं, हम तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं, ऐसा संगठन है, जब सरकार में थे तो भी लगातार संगठन की गतिविधियां चलती थी, नहीं है तो भी संगठन की गतिविधि लगातार चलती है। तो हम तो राजनीतिक पार्टी है, और राजनीतिक पार्टी के नाते सक्रियता और चुनाव लड़ने की हमेशा मानसिकता सदैव रहती है। ये थे उमाशंकर गुप्ता साहब, जिनको आप सुन रहे थे, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों में रहे। आपने स्टूडियो में आके वक्त दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। देख रहे हैं दखल न्यूज़।